हेलो। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशन। आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, क्लास 10 का चैप्टर 1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, पहला है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवेन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से चार ऑप्शन दिया है इस रिएक्शन का। हम लोग को बताना है कि ये रिएक्शन का जो चार ऑप्शन दिया गया है, ये चारों में कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। नीचे आपको दिया है ए और बी, क्या ए बी इनकरेक्ट है, ए और सी ए सी इनकरेक्ट है, ए बी एंड सी ये तीनों रॉन्ग है, गलत है, या और भी चारों। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं कैसे इसका आंसर निकलेगा, कैसे पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो हम लोग को बताना है विच वन इज इन इक्वेशन। इवन इज दिस वन इक्वेशन हम लोग ले दिया है ट्वाइस टीवी पॉइंट सॉलिड है, इसके साथ में हमने ऐड किया कार्बन सॉलिड दोस्तों, ट्वाइस टीवी सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो क्वेश्चन में बोला है कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, ये हम लोग को चेक करना है कौन सा ऑक्सीडाइज्ड और कौन सा रिड्यूस। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीबीओ लीड ऑक्साइड से क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, पीबी में। तो लीड ऑक्साइड से पीबी में कन्वर्ट हुआ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड आप लोग को याद होगा वी हैव डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने से क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने से रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होने से ऑक्सीडेशन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होने से रिडक्शन। सेकेंड कार्बन, कार्बन से क्या चीज में कन्वर्ट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन में देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। इन कार्बन ऑक्सीजन इज एडेड देन ओनली इट इज कन्वर्टेड टू CO2। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एड होना इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक रिडक्शन हुआ और एक ऑक्सीडेशन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, दे आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीबीओ, पीबीओ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ पीबी में। सो वी कैन से दैट पीबीओ इज रिड्यूस टू पी। एक ये हो गया लीड ऑक्साइड, लीड में रिड्यूस हुआ। सेकेंड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों जो है ये राइट स्टेटमेंट है, सही वाला है। तो हम लोग से पूछा है विच वन इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट कौन सा है, लीड ऑक्साइड ये,
लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये जो है राइट कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सही कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, सही मतलब ये दोनों क्या है गलत स्टेटमेंट है, दिस टू आर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ए और बी है, ए एंड बी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। द आंसर विल बी ए एंड बी, हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट। तो क्लियर ये वाला, ओके एक बार और रिवाइज हो जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, इसका रिएक्शन किया एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये वाला रिएक्शन किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है, डीकंपोजिशन का है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है ये बताना है। नाउ से कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक हो जाता है, तो यहाँ दो कंबाइन होके एक तो नहीं हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, कैंसिल। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड होता है एंड बोथ कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए देयर शुड बी टू कंपाउंड, दो कंपाउंड होना पड़ेगा, और दोनों कंपाउंड में क्या होना होगा, आयन का एक्सचेंज होना होगा। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे तो दो आयंस नहीं है, एक ही है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, क्योंकि वहां दोनों कंपाउंड से आयन का एक्सचेंज होता है। ये तो है आयरन प्लस थ्री आयन, ऑक्सीजन टू माइनस आयन, बट यहाँ पे दो आयन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड, एक दो या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ एक तो नहीं है, दो है, तो ये भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मैटर, वो मैटर जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मैटर को डिस्प्लेस करता है उसका सॉल्यूशन से। तो दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को हटा देगा, तो एल्यूमिनियम आयरन को हटा दिया, तो एल्यूमिनियम आ गया आयरन का प्लेस में और आयरन निकल गया, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, हाईली रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम, लेस रिएक्टिव मेटल आयरन को डिस्प्लेस किया उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन से। अब कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, इसके लिए आपको देखना होगा, मैंने इसका पार्ट फोर में ये कंप्लीट किया है, तो आप लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 04 देख सकते हैं, वहां पे डिटेल्स है। तो फिलहाल यहाँ पे एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया है, तो दिस विल बी राइट, द आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखें, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा, डायलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिल्म्स, ओके, तो आयरन फिल्म्स मतलब Fe, इसमें हमने ऐड किया HCl, कैसा HCl है, डाइल्यूट, क्या होगा ये बताना है। नाउ
मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, आयरन है, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा दिख रहा है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयरन क्या है, आयरन जो होता है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयरन हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो हाइड्रोजन क्या फॉर्म में होता है, H2। हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है, तो H2 निकल गया, तो दो आपने बैलेंस हो जाए, बचा क्या, FeCl2। FeCl2 हाइड्रोजन का प्लेस में आयरन आ गया, दो क्लोरीन है, FeCl2। तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है और ये होता क्या है। तो देखिए, सपोज एक रिएक्शन हम लोगों ने लिया कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हुआ HCl। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है, क्लोरीन का कितना एटम है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन का कितना है, 1 ही है, तो ये 2 दे, क्लोरीन का कितना हो गया, 2 एटम क्लोरीन का, तो ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस इक्वेशन होता क्या है, वैसा केमिकल इक्वेशन। एनो का लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एनो का लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्टेंट, और एनो के राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट। एनो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट। तो वैसा केमिकल इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स किसका, एलिमेंट का, हाइड्रोजन एलिमेंट का 2 एटम है, क्लोरीन एलिमेंट का 2 एटम है, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शेल इक्वल। तो हम लोग बोलेंगे व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आंसर हो गया What is a balance chemical equation? So, a balance chemical equation is the equation in which number of atoms किसका atoms, elements in the reactant and product side, are equal। तो जिस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो, वैसा इक्वेशन को बोला जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में प्रोसीड करें, वंस शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, जैसे ये मैंने बैलेंस किया, क्यों किया, नहीं भी करने से होता, बट
according to the law of conservation of mass, according to the law of conservation of mass, क्या होता है कि matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Matter जो है chemical reaction में आप ना ही उसे destroy कर सकते हो ना ही create कर सकते हो. They can be transferred from one form to another. एक form से दूसरा form में change हो सकता है. तो इस बोल की क्या है, जितना mass मैटर का रिएक्टेंट साइड में होगा एग्जैक्टली उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में भी होना पड़ेगा. जितना मास रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में हो, और वो तभी हो सकता है जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर. इस तरफ जितना एटम्स होगा उतना ही अगर प्रोडक्ट साइड में होगा तभी तो दोनों का वजन बराबर होगा. मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट है, मतलब ना ही रिएक्टेंट लॉस हुआ ना ही फॉर्म, जितना अमाउंट था उतना ही. सो व्हाट वी कैन राइट, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड. सो लिख ले आप लोग क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू द law of conservation of mass, matter can neither be created nor be destroyed. Matter can neither be created nor be destroyed. So the mass of the atoms in the reactant side, so the mass of the atoms in the reactant side should be equal to the, should be equal to the mass of the atom in product side, should be equal to the mass of the atom in the product side. So chemical reaction should be balanced. क्योंकि balance होने से ही बराबर होगा. चलिए next question लिया. Translate the following statement into chemical equation. ये statement जो दिया है इसको केमिकल इक्वेशन में लिखना है और उसके बाद बैलेंस करना है. हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, हाइड्रोजन गैस कंबाइन किया मतलब प्लस, इसके साथ नाइट्रोजन गैस के साथ N2 टू फॉर्म. देखो जो बनेगा उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे, वो हम लोगों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा. टू फॉर्म एमोनिया, एमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH3 क्या है, गैस. ये आंसर क्या, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया. तो हाइड्रोजन गैस हो गया H2, नाइट्रोजन गैस हो गया N2, दोनों मिलके क्या बनाया, एमोनिया. एमोनिया का फॉर्मूला NH3. चलो बैलेंस करें, H कितना है, दो बार है, N कितना है, दो बार है. इधर देखें H कितना है, तीन बार है, N is also 3. So N is also 1. तो बैलेंस करना मतलब दोनों तरफ एटम्स बराबर होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे N 1 है, यहाँ पे N कितना है, 2. तो यहाँ पे N को 2 करना होगा, तो 2 कब होगा, यहाँ मैंने 2 दे दिया. यहाँ 2 देने से क्या होगा कि N 2 हो गया, तो N 2 हो गया. H कितना हो गया, 3 × 2 6 हो गया. तो उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों को, 1 × 2 2 2 यहाँ दिया. अच्छा बैलेंसिंग में देखो जिसको बैलेंस करना है उसको बॉक्स बना लो, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, उसके बाहर ही लिखना होता है. ये मैंने पहला
पार्ट में ही एक्सप्लेन किया था, आप लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पार्ट वन, वहां पे फुल डिटेल से। टू से हो गया, हाइड्रोजन कितना हुआ, सिक्स हुआ, यहाँ टू है तो थ्री मल्टीप्लाई करने से सिक्स होगा, थ्री मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया डिफरेंस। तो इसी तरह और हम लोग ट्राई करते हैं, तो इसको लिख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 5B, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर इन सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर हो गया बी। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न किया, तो जब भी आप कोई चीज को बर्न करते हैं तो बर्न करने के लिए आपको क्या चीज का जरूरत होता है, ऑक्सीजन। बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इन एयर टू गिव वाटर, टू गिव वाटर मतलब वाटर बनेगा, वाटर बनेगा मतलब वाटर किधर होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा, और आपको क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्न किया, बर्न मतलब क्या, ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बर्न होता है, क्या होगा, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड, बैलेंस में। तो जिसको बैलेंस करना है उसे बॉक्स बना ले, मतलब इसके अंदर आप कोई नंबर को नहीं लिखेंगे, जिसे बैलेंस करना है उसे बॉक्स बना ले, मतलब इसके अंदर में कोई भी नंबर को नहीं लिखना है। आप बैलेंस कहाँ करेंगे, आगे में, इन फ्रंट साइड वी हैव टू गिव नंबर, नॉट गिव नंबर इन द ब्रैकेट। एलिमेंट्स लिख लो, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दो बार, सल्फर वन, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये जैसे लिखे हो एग्जैक्ट वैसा लिख ले HSO। हाइड्रोजन कितना है, दो, सल्फर कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है, वन एंड टू थ्री, इधर वन है और यहाँ पे टू है ना। तो देखो कौन कौन सा बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जो बैलेंस नहीं है पहले उसको बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे तीन है, तो हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन को इक्वल बनाना है, तो यहाँ टू है, यहाँ पे थ्री है, तो अगर हम यहाँ पे बढ़ा दे नंबर, मतलब टू से इंटू कर दे कितना हो जाएगा, फोर, तो टू से मैंने इंटू कर दिया, फोर हो गया, टू था यहाँ थ्री था, तो बैलेंस तो होने वाला है, तो टू से इंटू कर दिया, फोर हो गया ना। यहाँ पे एक बढ़ाना है, तो सी यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, अगर मैं यहाँ पे टू लिख दू, इफ वी राइट हियर टू देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे दो लिखने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फोर हो जाएगा, टू इंटू टू फोर, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, टू, तो टू यहाँ पे और टू यहाँ पे, तो ऑक्सीजन फोर हो गया, थ्री था अब कितना हो गया, फोर हो गया, तो ऑक्सीजन बराबर, सल्फर बराबर, अब कौन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, इधर में फोर है, इधर टू है, मतलब हाइड्रोजन में टू से मल्टीप्लाई करना होगा, हाइड्रोजन टू है, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो एच तो फोर हो गया, चलो ठीक है, बट सल्फर भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो सल्फर कितना हो गया, दो बार। अब एच बैलेंस हुआ, ओ बैलेंस हुआ, तो सल्फर बैलेंस नहीं है, अब सल्फर को बैलेंस कर दे, यहाँ टू है, यहाँ पे वन है, तो वन है, तो यहाँ आपको टू से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 सल्फर हुआ, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2 देन सी ऑक्सीजन भी तो इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, तो ऑक्सीजन यहां पे 2 2 जा 4, 4 और 2 6, ऑक्सीजन भी 2 बन गया 6 हो गया, 4 तो पहले था ही, 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया। अब ये बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन को करना है, ऑक्सीजन 6 है यहां पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहां पे 2 था तो यहां पे 2 के प्लेस में 3 दे दो, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, नाउ ऑल आर बैलेंस। तो इस तरह से बैलेंस करना है, इसमें ऐसा हो सकता है एक एटम को आपने बैलेंस किया, दूसरा अनबैलेंस हो गया, फिर दूसरा को किया, थर्ड वाला अनबैलेंस हो गया, करते रहना है। जैसे मैंने किया तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस किया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हुआ, फिर एच को बैलेंस किया तो सल्फर अनबैलेंस हुआ, सल्फर को बैलेंस किया ऑक्सीजन अनबैलेंस हुआ, फिर ऑक्सीजन को किया तब जाके सारा बैलेंस हुआ। चलो तो इसे निकले, तो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करें सी नंबर, तो बी कंप्लीटेड, नेक्स्ट सी नंबर, तो सी को ट्राई करते हैं। सी दिया है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4O3, एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4O3। टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, टू गिव मतलब प्रोडक्ट में क्या देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। अब बहुत लोग का ये कंफ्यूजन होता है कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 है कैसे आया, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4O3 है कैसे आया। तो इस चीज को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कहाँ पे, इस लेशन का पार्ट 1 में, आप लोग देखें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 बाय रूल्स ट्यूटोरियल, या आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल ही जाएगा प्लेलिस्ट में, तो पार्ट 1 देखिए, वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ये फॉर्मूला सब कैसे बनता है। तो चलिए अभी हम लोग बैलेंस करें, तो क्या क्या है निकले, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सल्फेट है, इसे सल्फर ले लें या होल एक साथ भी आप ले सकते हैं, एसओ फोर को उधर भी है वैसे भी हो जाएगा, ऑक्सीजन बेरियम एक बार है, क्लोरीन दो बार है, एल्यूमिनियम दो बार है, सल्फर तीन बार है, ऑक्सीजन 4 3 12 12 टाइम्स। इधर देख ले जैसा आपने लिखा वैसा लिख ले, बेरियम क्लोरीन एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन कितना है, बेरियम एक बार, क्लोरीन तीन बार, एल्यूमिनियम 1 टाइम, सल्फर 1 टाइम, ऑक्सीजन 4 टाइम। ओके नाउ बैलेंस, तो इसको पहले बॉक्स बना लें क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी आप बैलेंस के लिए नंबर देंगे वो कहां देंगे, आउट साइड बाहर। तो सबसे पहला स्टार्ट करें वैसा कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। चलो इसको देखिए स्टार्ट करें, एल्युमिनियम दो बार था, इधर एल्युमिनियम कितना है एक बार,
जिसमें सबसे ज्यादा है, जैसे चारों को इफ यू सी द फोर यू कैन सी हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, तो सेलेक्ट दैट वन व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एंड स्टार्ट फ्रॉम दैट वैलेंस। एल्यूमिनियम दो है, यहाँ पे दो है, तो यहाँ दो करना है तो दो मल्टीप्लाई करते हैं एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में दो मल्टीप्लाई। इफ यू मल्टीप्लाई हियर तो क्लोरीन भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो हुआ ही, साथ में क्लोरीन भी होगा। क्लोरीन कितना होगा, 3 2 6 हो गया, तो क्लोरीन भी 2 से मल्टीप्लाई होके 6। अब इधर में क्लोरीन कितना है, 2 है, पूरा कंप्लीट करके। सल्फर कितना है, 3 टाइम, तो इधर सल्फर 3 है, इधर 1 है, तो इधर में आप 3 मल्टीप्लाई करो, तो सल्फर कितना हो गया इनटू 3, और साथ में बेरियम भी 3 हो जाएगा, बेरियम भी 3 मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन भी 3 मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो गया, सल्फर भी बेरियम हो गया, तो सल्फर बैलेंस हो गया, तो एल्यूमिनियम सल्फर बैलेंस। थर्ड हो गया ऑक्सीजन को, तो देखो ऑक्सीजन 12 था, ओह ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, 12 है, तो एल्यूमिनियम सल्फर ऑक्सीजन बैलेंस। ये पूरा खत्म। अब इधर आ जाओ, बेरियम 1 है, बेरियम 3 है, तो हियर मल्टीप्लाई 3, बेरियम 3 बैलेंस, और क्लोरीन भी 3 2 जा 6, ये भी बैलेंस, क्लोरीन 6, तो सभी बैलेंस। तो इस तरह आप बैलेंस कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एंड देन यू बैलेंस। चलो ट्राई करें, डी नंबर, डी नंबर ट्राई। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लें। नेक्स्ट इज पोटेशियम मेटल, डी नंबर। पोटेशियम मेटल हो गया के, रिएक्ट विद वाटर, तो के का रिएक्शन मैंने करा दिया वाटर से, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा KOH एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हो गया H। चलो बैलेंस करते इसको भी सेम प्रोसीजर से, तो यहाँ पे है K है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। K कितना है, 1 बार, हाइड्रोजन कितना है, 2 बार, ऑक्सीजन 1, इस तरह KHO, K one time, hydrogen 1 2 3 time, oxygen 1, hydrogen 3 होगा ना, इधर 1 है इधर 2, 3 हो गया। बैलेंस है, कौन सा बैलेंस नहीं है, K बैलेंस है, O बैलेंस है, बैलेंस कौन नहीं है, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते, तो 2 मल्टीप्लाई करने से H कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई हो गया 2। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन 2 हुआ, साथ में K भी 2 हो जाएगा, H भी 2, तो H 2 और 2 4 हो गया, तो 3 से H हो गया 4। सेम हियर 2, हियर 2, तो 2 वहां 2 यहां, 4 हो गया 4, तो H बैलेंस हो गया, O बैलेंस, K 2 टाइम्स है, तो यहां पे K आप मल्टीप्लाई कर दो, K इज आल्सो 2 टाइम, नाउ इट इज बैलेंस। तो इसको लिख ले, इसके बाद नेक्स्ट ट्राई करें। So next question is question number 6 and 7, both are balancing part। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैं होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग इसे सॉल्व करें,
ठीक है, सॉल्व करके इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट में बताएं, इसका आंसर कमेंट में आप दे, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि ये राइट है या रॉन्ग। तो इसको पॉज करके ये क्वेश्चन टाइम लिख ले आप लोग और 7 नंबर में सॉल्व करता हूँ। इजी है, जैसा अभी अभी किया वैसे ही करना है, और अभी मैं और करूंगा तो वहां से और क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें एंड 6 नंबर क्वेश्चन को लिख ले और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर में है बैलेंस करना। चलो ए नंबर ले, ए नंबर एच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 goes to कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, वाटर प्लस H2O। और बैलेंस कर ले, अब मैं शॉर्टकट बैलेंस करता हूँ और डिटेल्स तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है। तो देखो कैल्शियम एक बार है, कैल्शियम एक बार बैलेंस, कार्बन एक बार है, कार्बन एक बार बैलेंस, हाइड्रोजन दो बार है, H दो बार, इधर भी H टू टाइम बैलेंस, ऑक्सीजन टू मतलब ऑक्सीजन 4 टाइम्स हो गया, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, हियर यू सी 3 and 1 4, मतलब ये वाला ऑलरेडी बैलेंस है, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस नहीं करना है, जिंक बी नंबर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एजी नाइट्रेट एनो थ्री, एजी एनो थ्री मोस, जिंक नाइट्रेट, जिंक जेड नाइट्रेट एनो थ्री, और जिंक नाइट्रेट होता है जेड एनो थ्री और टू। इसके साथ क्या है, सिल्वर है तो सिल्वर तो जिंक में AgNO3 दिया तो क्या होगा, ZnNO3 बोल टू और Ag। चलो इसे बैलेंस करते हैं, शॉर्टकट करते हैं। तो देखो जिंक एक बार है, जिंक एक बार है, NO3 कितना बार है, दो बार है, वैसा आप सेलेक्ट कर लो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें पहले इसे आप बैलेंस कर लो, जिंक एक बार है, जिंक एक बार, NO3 दो बार है, NO3 हाँ मैंने पूरा को कंसीडर किया, NO3 दो बार है, यहाँ NO3 कितना है, एक बार ही है, एक बार है आगे मैंने दो दे दिया, NO3 होल टू दोनों दो बार है, तो NO3 ये एक बार है तो आगे दो दे दिया, तो NO3 होल टू एक ही बार में बैलेंस। अब सिल्वर कितना है, दो बार, तो सिल्वर दो बार मिलेगा, बैलेंस हो गया। तो ये हो गया शॉर्टकट। चलो डिफिकल्ट लगा होगा तो एक और हम कर लेते हैं, या आप प्रीवियस मेथड ही ले लो, यहाँ पे एटम्स लिख लो, जिंक सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी सेम और एक एक करके बैलेंस कर, या शॉर्टकट ऐसे। चलो एक और करते हैं और क्लियर होगा। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर CU क्लोराइड CL2, कॉपर क्लोराइड CuCl2 क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al क्लोराइड CL3 और कॉपर प्लस एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। चलो तो एक और बैलेंस करते हैं, थोड़ा इजी लगेगा। तो सबसे ज्यादा एटम्स वाला कौन सा है, ये चारों में सबसे ज्यादा एटम वाला ये है। चलो बैलेंस करें, 1 एल्यूमिनियम 1 बैलेंस है,
क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 3 टाइम्स है, यहाँ पे 2 है, बराबर करना है, क्या करें, नंबर एक्सचेंज कर दो, ये 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 2 जा 6, 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 जा 6, बराबर, तो हमने नंबर एक्सचेंज कर दिया, क्लोरीन एटम बराबर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, अच्छा क्लोरीन को बैलेंस करने से एल्यूमिनियम तो अलग हो गया दो बार, तो एल्यूमिनियम को दो बार लिया, दो एल्यूमिनियम दो, कॉपर 3 है तो कॉपर को 3 बार ले लो बैलेंस, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, कॉपर भी। अब थोड़ा इजी लगा होगा, चलो एक और करते हैं लास्ट, डी डी है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4 goes to बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl, जिनको फॉर्मूला बनाना नहीं आता वो पार्ट 1 देखे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाला, तो वहां से बहुत हेल्प मिलेगा। पेरेंट्स से पूछे किसमें सबसे ज्यादा एटम्स है, सबसे ज्यादा वाला तो यही लग रहा है, पहले इसे पेरेंट्स से कि दो बार है, के दो बार है, SO4 एक बार है, SO4 एक बार है, चलो बैलेंस हो गया दो, तो के दो बार लेने से क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 है, वाह बैलेंस ही हो गया, बेरियम 1 है, बेरियम 1 बैलेंस, तो जस्ट के को बैलेंस किया, बाकी सब खुद ही बैलेंस हो गया, तो थोड़ा इजी लगा होगा। चलो लास्ट एक और करते हैं बैलेंसिंग का, तो इसको पॉज करके लिख ले, क्वेश्चन नंबर 8 हमने ले लिया, 8 है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोग को बैलेंस लिखना है और क्या करना है, टाइप कौन सा है रिएक्शन का वो लिखना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डीकंपोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr इक्वल्स है इक्वल्स प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम Ba आयोडाइड I2 बेरियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के I होता है और साथ में क्या दिया बेरियम ब्रोमाइड दिया है, बेरियम Ba ब्रोमाइड Br और बेरियम ब्रोमाइड होता है BaBr2, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। चलिए बैलेंस करें पहले, तो आप चाहे तो डिटेल्स वाला कर सकते हैं योर विश, या चाहे तो शॉर्टकट कर ले, तो शॉर्टकट आसान होगा, इजी होता है, जल्दी हो जाता है, तो जैसा आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा एटम्स वाला कौन है सेलेक्ट कर ले, तो मैक्सिमम तो ये लग रहा है ये, और दोनों तो सेम ही है तो कोई भी आप ले लो, यहाँ से स्टार्ट कर, तो बेरियम 1 है बेरियम 1 बराबर, आयोडीन 2 है यहाँ पे आयोडीन 1 है 2 है ना यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई करते 2 से तो आयोडीन 2 हो गया, तो 2 देने से के भी दो बार हो गया, तो के कहाँ है यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 के इज ऑल्सो बैलेंस। ब्रोमीन कितना है 2 टाइम, ब्रोमीन इज 2 टाइम बैलेंस, बेरियम 1 बेरियम 1 बैलेंस, के दो बार बैलेंस हो गया सारा। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो देखो
कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट कॉम्बाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। डीकम्पोजिशन भी नहीं हो सकता क्योंकि डीकम्पोजिशन में वन ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा में। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयन एक्सचेंज होके कंपाउंड बना है, दो कंपाउंड एक का प्लस दूसरा का माइनस से मिलके बना, फिर दूसरा का प्लस पहला का माइनस से बना, ये डबल डीकंपोजिशन है। यू सी यहाँ के प्लस है बीआर माइनस, यहाँ पे बेरियम टू प्लस होता है और आई माइनस। तो कंपाउंड कैसे बना, पहला का प्लस दूसरा का माइनस के आर, सेकेंड दूसरा का प्लस पहला का माइनस बी ए बी आर बेरियम ब्रोमा। तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ, दो कंपाउंड के बीच अगर आयन का एक्सचेंज हो और प्रोडक्ट बने दो तो वो क्या होता है, डबल, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज होके प्रोडक्ट बनता है, तो ये हो गया फर्स्ट। चलिए बी का ट्राई करें, बी नंबर। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड राइट। ओके ट्राई बी नंबर। बी इज जिंक कार्बोनेट, जिंक जेड कार्बोनेट सीओ थ्री, दोनों का वैलेंसी टू होता है, वैलेंसी क्या टू। जिंक ऑक्साइड जेड एनओ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सीओ, बैलेंस कर लो, जिंक जिंक बराबर कार्बन कार्बन बराबर ऑक्सीजन थ्री है, यहाँ वन और टू थ्री बराबर, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस, वन जिंक वन जिंक वन कार्बन थ्री ऑक्सीजन थ्री ऑक्सीजन। ना कौन सा रिएक्शन होगा ये, तो सी एक कंपाउंड ब्रेक हो गया दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, इफ ए कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड देन दिस इज कॉल्ड दिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिस विल बी डीकंपोजिशन। चलिए थर्ड ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर सी, तो सी ट्राई करना है। सी नंबर है हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन तो H2 होता है, हाइड्रोजन गैस हो गया, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन तो Cl2 होता है, क्लोरीन गैस, मिलकर क्या करना, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl, हाइड्रोजन गैस है प्लस क्लोरीन गैस है, मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना। चलो बैलेंस करें, तो H दो बार है, यहाँ वन है मल्टीप्लाई बाय टू, तो H दो बार है, दो बार बैलेंस, क्लोरीन दो बार है, क्लोरीन दो बार बैलेंस, तो सभी बैलेंस हो गया क्लोरीन। कौन सा रिएक्शन होगा, नाउ यू सी हियर टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो जब दो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाया तो ये कॉम्बिनेशन। नाउ लास्ट क्वेश्चन डी, तो चलिए डी ट्राई करें क्या होगा डी, तो वीडियो को पॉज करके लिख लें डी, दिस इज द लास्ट वन। डी है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सॉलिड होता है प्लस
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही HCl को ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एक्वस है वैसे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है और हाइड्रोजन गैस होता है तो हाइड्रोजन H2 होता है, हाइड्रोजन गैस। मेरे रिस्पेक्ट 1 Mg 1 Mg 2 क्लोरीन, 1 है यहाँ 2 है, 2 क्लोरीन था, 2 क्लोरीन H2 पार H2। तो ये हो गया बैलेंसिंग। तो अब थोड़ा बैलेंस में इजी लग रहा होगा, कैसे आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, और इन केस अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो पुराना वाला मेथड, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को लिखे, राइट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को लिखे, फिर बैलेंस। अब कौन सा रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? Because magnesium is more reactive than hydrogen. Magnesium क्या होता है? Hydrogen से ज़्यादा reactive होता है. Magnesium is more reactive than hydrogen, so it displaces hydrogen. तो hydrogen को निकाल दिया और hydrogen का जगह पे आ गया। तो ये कौन सा reaction हो गया? Displacement reaction. This is displacement. Highly reactive metal displaces less reactive from their solution. तो ये displacement reaction होगा। तो ये हो गया आपका up to balancing का question number 8. I think 8 हो गया। तो next video में हम लोग बात करेंगे from question number 9 से होगा। और यहाँ पे एक मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था, उसे आप बैलेंस करें, बैलेंस करके जो भी उसका आंसर होगा उसे कमेंट में आप दे, तो वहां पे मैं चेक करूंगा। तो आज के लिए इतना ही कि थैंक यू।